नर्सों की हड़ताल मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया केवल 40% नर्सें ही हड़ताल कर रही हैं। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने सरकार पर गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए कहा प्रदेश में 95% से ज्यादा नर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा इस मामले में वो सीएम से बात करेंगी। तरह से माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के लिए हमारी मीटिंग बुलाई थी, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, ना ही वहाँ कोई इस तरह की कोई मीटिंग थी, ना कोई तैयारी थी। और प्रमुख सचिव जी छुट्टी पे थे, तो उस समय जो डिसीजन मेकर है वो नहीं था, तो हमें मीटिंग में बुलाने का क्या मतलब हुआ। सारी प्रदेश से आई हुई नर्सों को मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई, आर्थिक परेशानी हुई, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की है। आज भी वो न्यायालय को भी झूठ बोल रही है कि 50% नर्सें हड़ताल पर हैं, जबकि 100% हड़ताल पर उतर चुकी हैं नर्सें, और ये कल हम कोर्ट में पेश करेंगे। क्योंकि माननीय न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है। पहले हम तो कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि न्यायालय हमें हमारी हड़ताल को असंवैधानिक ना करे और हमें खुली छूट दे। इस बार हम सरकार से आर पार की लड़ाई करना चाहते हैं, और उन सीमा में अगर निराकरण नहीं होता तो कोर्ट के द्वारा ही जो अधिकारी हैं संबंधित उनके ऊपर कोर्ट और मध्य प्रदेश